हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। तेरी बिटिया का घर टूटने से नहीं बचा पाई मैं, बच्चे संभाल नहीं पाए रिश्ते को। प्यार बहुत करते थे एक दूसरे से, लेकिन समझ नहीं पाए, नहीं समझ पाए कि प्यार में इम्तिहान देने होते हैं, मुश्किलों को पार करना पड़ता है। किसी ने नहीं समझाया उन्हें, मैं भी नहीं समझा पाई। पापा, पापा ये दवाई खाइए। दवाई खाने से क्या होगा? ये दर्द कम होगा क्या? नहीं होगा ना, तो नहीं खानी मुझे दवाई। पापा आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। And you don't deserve this. Deserve तो वो दोनों भी नहीं करते थे। ना कार्तिक ना नायरा, इतना तो कितनी परेशानी, ये तलाक, इसमें से कुछ भी नहीं डिजर्व करते थे दोनों, लेकिन फिर भी उन्हें गुजरना पड़ा ना। क्यों? इसका इसका जवाब है किसी के पास? भाई साहब प्लीज, ये क्या हो गया अखिलेश? कैसे हो गया? माँ ने हमेशा समझाया था कि मुंह से कभी कोई भी ऐसी बात मत निकालना जिसके पूरा हो जाने पर अफसोस हो, और सब कुछ जानते बूझते देखते हुए मैंने कुछ भी ऐसा कैसे कह दिया जो मेरे बच्चों के लिए बद्दुआ बन गया। माँ बाप अपने बच्चों को कभी बद्दुआ नहीं दे सकते भाई साहब, आप प्लीज गिल्टी फील करना बंद कीजिए। आपकी कोई गलती नहीं है, आपने जो भी कहा उनकी भलाई के लिए कहा, शब्द उतने मैटर नहीं करते जितनी नीयत, और वो आपकी बिल्कुल भी गलत नहीं थी। बड़ों की बद्दुआ नहीं बल्कि उनकी अपनी गलती है जो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि फिर संभल ही नहीं पाई। प्रिंसेस, पापा आप कुछ नहीं कहेंगे नायरा से? उसके लिए आज का दिन बहुत ही मुश्किल था, और बाकी बचा दिन भी बहुत मुश्किल है। मैम कार्तिक सर आ गए। आप सबसे एक विनती है, प्लीज अभी उससे कुछ मत कहिएगा, प्लीज। चलिए मनीष जी,
जाऊंगा अंदर, क्या कहूंगा, कैसे कहूंगा, कैसे समझाऊंगा और क्या समझाऊंगा, झूठ बोलू से जाके, झूठी उम्मीद तो बेटा सब ठीक हो जाएगा, जबकि मैं जानता हूं कि कुछ ठीक नहीं होगा। किशमुर से जाकर 2 साल से वेट कर रहे थे हम लोग, जब होगा तब होगा कुछ, और जब हुआ तो ऐसा हुआ, सब खत्म हो गया। कैसे कहूंगा उससे कि बेटा जो हुआ जैसा हुआ उसे एक्सेप्ट कर, कैसे कहूं उससे कि बेटा भूल जा, सब भूल जाओ, आगे बढ़ जा। नहीं कह सकता मैं, कुछ नहीं कह सकता मैं उससे। अक्षय उतनी हिम्मत नहीं है मुझ में, मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आप हिम्मत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपके बेटे को आपकी जरूरत है, प्लीज उसका साथ दीजिए, प्लीज। पापा, आपकी प्रिंसेस अकेली है, उसे आपकी जरूरत है, प्लीज चलिए अंदर। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, मैं कुछ ब्रेकफास्ट, तुम फ्रेश हो जाओ फिर कॉफी पियेंगे दोनों। पता है कार्तिक, हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, बीते हुए कल की बातों को जितना जल्दी भुला देना उतना अच्छा होता है। नया दिन, नई सुबह, नई शुरुआत, तुम्हारे लिए भी
एक नए जीवन का नया दिन है ये। जितना अच्छे मन से शुरुआत करोगे भगवान उतना साथ देंगे तुम्हारा। अगर मेरी बात ना भी अच्छी लगे तो प्लीज उसे मानने की कोशिश करना, क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है। जख्म को जितना कुरेदते रहोगे ना दर्द उतना होगा। अगर उसे ठीक करना है तो उसे कुरेदना बंद करना होगा। तुम्हारे नाश्ता बना रही हूं, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।